सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। आज मैं हूँ आंध्रा भवन दिल्ली, आंध्रा भवन दिल्ली में राजरतन जी के साथ हूँ, जहाँ पर गोल टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि 12 नवंबर 1930 में ये गोल टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, आज फिर से यहाँ पर दिल्ली में हो रही है। सर आपने यहाँ पर एक ईवीएम का मुद्दा लिया आज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, उसका क्या वो था, ईवीएम से आप क्या चाहते हैं ईवीएम के लिए? देखिए, पार्लियामेंट ने जब ये कानून बनाया, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में बदलाव किए जी, तब सेक्शन 61A के अंतर्गत एक अमेंडमेंट हुआ है, और सेक्शन 61A पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट का कहता है कि जहाँ जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन है, वहीं पर ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वहाँ पर वोटिंग मशीन जो है वो लगाएगी, ईवीएम मशीन लगाएगी। मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वो पार्लियामेंट के डिसीजन को ना मानते हुए पूरे भारत भर में ईवीएम मशीन लगा दी है, जो असंवैधानिक है, जो पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार है। इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये खुद कानून बनाने लग गई है और खुद के कानून को वो मान रही है, और इसलिए हमारा कहना है कि जो कानून बना है उसी को लागू किया जाए, जहां पर कंडीशन है लॉ एंड ऑर्डर की। बूथ कैप्चरिंग की कंडीशन और लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन दोनों अलग होती है। लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन जो स्पेसिफिक उसकी डिक्शनरी स्पेसिफिक उसको कहा गया है कि लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन जहां जहां पर आज भी भारत में है वही वही पर लगनी चाहिए, पूरे भारत में नहीं लगनी चाहिए, और बैलेट पेपर का इस्तेमाल होना चाहिए। ये बात मैंने सिर्फ जो कानून में है वही बताया जी। सर आपने अभी एक बात और कही अपने संबोधन में कि RSS जो है वो देशद्रोह का काम कर रही है। बराबर है, देखिए BJP हो या RSS हो, देशद्रोह का या देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने का काम कर रहे हैं। अगर इस देश का संविधान अस्तित्व में है और आज भी इस देश में लागू है, तो क्या इस देश के संविधान को लागू होने के बावजूद नया संविधान बनाना, क्या ये देशद्रोह नहीं है? अगर नया संविधान बनाना देशद्रोह है, तो बीजेपी ने वो देशद्रोह किया हुआ है। उनके वेबसाइट पर नया भारत के नया संविधान का प्रारूप उन्होंने डाल रखा है, और ये देशद्रोह का काम बीजेपी और RSS ने किया है, वही बताने का काम मैं कर रहा हूँ। सर उनको ऐसा लगता है कि शायद कि जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने, आपके दादाजी ने जो ये संविधान बनाया था, वो हिंदुओं के लिए शायद सही नहीं है, या उनके गले से ये उतर नहीं रहा है? नहीं, देखिए बाबा साहब ने जो ये संविधान बनाया है, ये हिंदुओं का छोड़ो, इस देश के ब्राह्मणों को तक बाबा साहब अधिकार देते हैं। ओपन को हो, SC को हो, ST को हो, माइनॉरिटी को हो, आदिवासियों को हो, सबको बाबा साहब इस देश में अधिकार देते हैं। लेकिन इनका कहना है हम इस देश के संविधान को, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को नहीं मानते, हमारा अलग से संविधान इस देश के संविधान बनने से पहले भी लागू था, जो 2000 सालों से चला आ रहा है, जिसको ये मनुस्मृति के नाम से जानते हैं, और इसलिए ये बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को हटाकर मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, ये इनकी दिक्कत है जी। सर ये आज जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आंध्रा भवन दिल्ली में हो रही है, क्या यहाँ पर एक राजनीतिक पार्टी का गठन होने जा रहा है? नहीं, कोई राजनीतिक पार्टी का गठन हम नहीं कर रहे हैं। अगर एक अन्ना हजारे महाराष्ट्र से चलकर यहाँ पर दिल्ली में आकर असंवैधानिक मांग यहाँ पर करने के लिए लाखों लोगों को इकट्ठा कर सकता है, तो क्या इस देश में संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, हमारे हक और अधिकार को बचाने के लिए हम लोग इकट्ठा नहीं हो सकते? तो ये वो उसकी प्री प्लानिंग यहाँ पर चल रही है कि इस देश में बाबा साहब के दिए हुए संविधान को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे हक और अधिकार को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसका ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन यहाँ पर चल रहा है जी। सर एक आखिरी सवाल ये कि यहाँ पर किन किन जातियों के लोग आए हुए हैं, या एक ही जाति के लोग हैं? देखिए पहले तो मैं जाति में बिलीव नहीं करता, इसलिए कौन से कौन जाति का है ये मैं देखा भी नहीं, और मुझे वो जानना भी नहीं है कि कौन सा आदमी कौन से जाति से है। इस देश का हर एक नागरिक जो अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहता है, यहाँ पर वो लोग इकट्ठा है जी। अगर ईवीएम बंद ही होता तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं? नहीं, हम तो ईवीएम मशीन जो बंद नहीं हो रहा है, अगर भारत के कोर्ट में से भी अगर इसके लिए ऊपर कुछ नहीं हो रहा है, तो ईवीएम मशीन हमारे फंडामेंटल राइट जो हमको हमारे जन्म के साथ ही मिल जाता है, वोट देने का अधिकार, हमारे 18 साल के होने के बाद हमको वो इंप्लीमेंट करने का मौका मिलता है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। हमको इसके लिए कहीं पर जाकर स्पेशल परमिशन लाने की जरूरत नहीं है, हमारे जन्म के साथ ही हमको ये मिल जाता है। तो अगर इस देश में हमारा फंडामेंटल राइट, ह्यूमन राइट,
का अगर वायोलेशन होता है और भारत अगर इस हमारे मानवीय अधिकार को छीनता है तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में जाके हमारे हक और अधिकार की मांग वहां पर रखेंगे और भारत में भारत सरकार को वहां पर बुलाकर हमारे हक और अधिकार को सुरक्षित कराने का काम करेंगे। न्यूज ऑफ इंडिया देख रहे हैं सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं न्यूज ऑफ इंडिया से मीनाक्षी अम्बेडकर। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।